बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ख्वाब देखने पर कौन सी अलामतें हो सकती हैं, जिसके अंदर एक अमूमी तौर पर ख्वाब आता है अक्सर लोगों को, जिसको लोग देखने के बाद मामूली सा समझ के छोड़ दिया करते हैं। वो है कि अपने आप को ऊँचाई से गिरता हुआ देखना। कभी भी कोई शख्स अपने आप को ऊंचाई से गिरता हुआ देखता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसके पीछे कोई बहुत ज़बरदस्त हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, और उसके हासिद उसके लिए अक्सर ये कोशिश किया करते हैं कि अनकरीब उसको डुबा दिया जाए। जिस बंदे के पीछे बहुत ज़्यादा हासिद लगे हुए होते हैं उसको अक्सर इस तरह के ख्वाब आया करते हैं कि वो अपने आप को ऊँचाई से गिरता हुआ देखता है, और अक्सर और जब भी वो गिरने के बाद उसकी आँख खुलती है तो उसके चेहरे पर पेशानी के ऊपर पसीने आए हुए होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि ख्वाब का असर उसके जिस्म के ऊपर वाज़े तौर पर हो रहा होता है। अगर कोई भी ऐसा ख्वाब देखें जिसका असर वाज़े तौर पर आपको अपने जिस्म के ऊपर महसूस हो रहा हो उठने के बाद, तो समझ लें कि अब वो ख्वाब आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे मामलात के अंदर अक्सर फौरी तौर पर जो अमल करना चाहिए, किसी भी सुबह उठते ही सफ़ेद चीज़ का सदका निकाल दें, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो चावल हो। इस तरह का कोई भी हस्ब तौफीक, चाहे सवा पाव दे दें, पाव दे दें, एक किलो दे दें, सात किलो दे दें, पाँच किलो दे दें, लेकिन सदका निकाल दें, इंशाल्लाह फौरी तौर पर उस शख्स के शर से या उस ख्वाब के शर से महफूज हो जाएंगे और कोई भी आफत या बला आपको तंग नहीं कर सकेगी जिसमें आपकी नाकामी का अंदेशा हो। तो कोशिश करें कि इस तरह का अमल फौरन कर लिया करें। और अगर किसी भी ख्वाब के हवाले से ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो मेरे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, अपना ख्वाब लिख के या सुनाइए और अपना उसका जवाब हासिल कर लीजिए कि उसकी क्या ताबीर हो सकती है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।